की तीसरी लहर बच्चों के लिए काफी खतरनाक बताई जा रही है। ऐसे में हर राज्य अपने स्तर पर अस्पतालों में बेहतरीन सुविधा देने के लिए अब जायजा कर रहा है, जिसकी शुरुआत राजस्थान से हुई है। राजस्थान के जोधपुर का मेडिकल कॉलेज प्रदेश में इस मामले में खरा उतरते हुए अव्वल आया है। स्पेशल न्यू बर्न केयर यूनिट की ओर से प्रदेश में कराई गई रैंकिंग में जोधपुर के मेडिकल कॉलेज ने बाजी मार ली है। बीकानेर का मेडिकल कॉलेज दूसरे और अजमेर का महिला अस्पताल तीसरे नंबर पर रहा। कोरोना की तीसरी लहर की आशंका को देखते हुए राज्य सरकार की तरफ से हाल ही प्रदेश के मेडिकल कॉलेजों और अस्पतालों में बच्चों के इलाज के लिए उपलब्ध सुविधाओं का एक सर्वे करवाकर रैंकिंग तैयार की गई है। इन 14 मापदंडों में सर्वाइवल रेट, संक्रमण, मृत्यु दर, रेफर्ड लामा, 3 दिन से कम ठहरना, कंगारू मदर केयर, कम वजनी बच्चों का वजन बढ़ना, एंटीबायोटिक यूजेस, बेड एक्यूपेसी, ट्रैकिंग आदि के रिकॉर्ड की जांच की गई है, जिसमें सरकार की ओर से निर्धारित 14 मापदंडों पर रैंकिंग जारी करने का उद्देश्य SNCU में सुधार करना है ताकि बच्चे स्वस्थ रहे। बता दें कि जोधपुर अस्पताल में सुधार इसलिए है क्योंकि यहाँ पर डॉक्टर SM मेडिकल कॉलेज के शिशु रोग विभाग में 7 सीनियर प्रोफेसर, 4 एसोसिएट और 10 असिस्टेंट प्रोफेसर हैं। यहाँ सिर्फ 3 पद खाली है और इसके साथ ही SDM और उम्मीद अस्पताल में अलग से मात शिशु विंग बनाई हुई है। SDM अस्पताल में बच्चों के लिए 100 में सामान्य और 20 PICU बेड उपलब्ध है। इसके साथ ही 60 बेड का NICU भी तैयार हो रहा है। वहीं उम्मीद अस्पताल में 300 सामान्य, 35 PICU और 70 बेड NICU है। साथ ही 30 बेड का नया NICU भी तैयार हो रहा है। बता दें कि जोधपुर को इस रैंकिंग में 100 में से सबसे अधिक 75 अंक प्राप्त हुए हैं, जो कहीं न कहीं बेहतर सुविधाओं को दर्शा रहे हैं।